हालत भी जाहिर हो जाएगी। आई है खबर जश्न की, चलना है मुझे। आई है खबर जश्न की, चलना है मुझे। या शाह नजफ कह के संभलना है मुझे। आई है खबर जश्न की, चलना है मुझे। या शाह नजफ कह के संभलना है मुझे। जकड़ा हुआ मैं ज़ोफ की जंजीर में हूँ, इस कैद को तोड़ कर निकलना है मुझे। आई है खबर जश्न की, चलना है मुझे। या शाह नजफ कह के संभलना है मुझे। जकड़ा हुआ मैं ज़ोफ की जंजीर में हूँ, इस कैद को तोड़ कर निकलना है मुझे। और मुलाजम, मैं तवल्ला से इबादत का भरम रखता हूँ। मैं तवल्ला से इबादत का भरम रखता हूँ। दर्द दिल सोज जिगर दीदे नम रखता हूँ। तो मिस्रे मुलाजम, दिल की कुव्वत के लिए याद खुदा से पहले या अली कह के मुसल्ले पर कदम मैं तवल्ला से इबादत का भरम रखता हूँ। दर्द दिल तो से जिगर दीदे नम रखता हूँ। दिल की कुव्वत के लिए याद खुदा से पहले या अली कह के मुसल्ले पर कदम। सांचे में मोहब्बत के ढला है इस्लाम। सांचे में मोहब्बत के ढला है इस्लाम। गम खानों में घुटनियां चला है इस्लाम। सांचे में मोहब्बत के ढला है इस्लाम। गम खानों में घुटनियां चला है इस्लाम। हासिल है अमीरों पर फदीलत हमको, हम जैसे गरीबों में पला है। सांचे में मोहब्बत के ढला है इस्लाम। रमखानों में घुटनियों चला है इस्लाम। हासिल है अमीरों पर फदीलत हमको, हम जैसे गरीबों में पला है। चार मिसरे और मिला दो। रोशन करे कायनात मुमकिन आया। रोशन करे कायनात मुमकिन आया। तकमील नवाज़शाह का दिन आया। तकमील नवाज़शाह का दिन आया। काबा आवाज दे खलील हक को, जिस दिन की दुआ मांगी थी वो दिन।
रोशन करे कायनात मुमकिन आया, तकमील नवाज शाद का सिन आया। काबा आवाज दे खलील हक को, जिस दिन की दुआ मांगी थी वो दिन आया। लहजा एहसास हयात को जगाने वाला, एहसास हयात को जगाने वाला, हिकमत के हुदूद को बढ़ाने वाला, हिकमत के हुदूद को बढ़ाने वाला। कितने पैगंबरों के बाद आया है इंसान को इंसान बनाने। चार मिसरे फिर आपकी तामील में मिसरे लगाए दो। या मुस्तफा निजाम तनो जान बना दिया, या मुस्तफा निजाम तनो जान बना दिया, तखलीक कायनात का उनवा बना दिया। लाला दो मिसरे। सूरत गरे अदल ने तेरे तिबार पर एक मुश्तखाज थी जिसे इंसान बना मोहब्बत में मोहब्बत के तकादे रंग लाते हैं, मोहब्बत में मोहब्बत के तकादे रंग लाते हैं। हम उनको याद क्या करते, नबी खुद याद आते हैं। मोहब्बत में मोहब्बत के तकादे रंग लाते हैं, हम उनको याद क्या करते, नबी खुद याद आते हैं। हमारी सिमत जब उठती है तनकीदी नजर कोई, हमारी सिमत जब उठती है तनकीदी नजर कोई, हम अपना ऐब उनका तज़किरा करके छुपाते हैं। मोहब्बत में मोहब्बत के तकादे रंग लाते हैं, हम उनको याद क्या करते, नबी खुद याद आते हैं। हमारी सिमत जब उठती है तनकीदी नजर कोई, हम अपना ऐब उनका तस्किरा करके छुपाते हैं। लादा जनाब वाला। दोनों आलम महब हैरत थे ये मंजिल देखकर, दोनों आलम महब हैरत थे ये मंजिल देखकर, एक ही अंदाज का हर सदर महफिल देखकर। दोनों आलम महब हैरत थे ये मंजिल देखकर, एक ही अंदाज का हर सदर महफिल देखकर। या मोहम्मद या अली हैं चौदह में मासूम तक, अम्र खालिक थम गया तहसील हासिल दे।
एक एक मरतबा सुन लीजिए। उत्थल कहे अरबाब विला में होते, उस हल कहे अरबाब विला में होते, अंसार में होते, रुफका में होते, सुनते हैं कि हर नबी को हसरत ये रही, हम उम्मत महबूब खुदा में होते। दुनिया में पैगंबरों का सुल्तान आया, दुनिया में पैगंबरों का सुल्तान आया, इंसान की अजमत का निगहबान आया, इंसान की अजमत का निगहबान आया। सीरत ऐसी बदल दिया नज़्म जहां, सीरत ऐसी बदल दिया नज़्म जहां, सूरत ऐसी के जिस पे कुरान आया। दुनिया में पैगंबरों का सुल्तान आया, इंसान की अजमत का निगहबान आया। सीरत ऐसी बदल दिया नज़्म जहां, सूरत ऐसी कि जिस पर कुरान आया। मैं यह अर्ज करता हूँ, आज जनाबे सादिक आले मोहम्मद की विलादत का भी दिन है, लिहाजा दो सकते वीरान कभी होगी मसनद न रिसालत की, वीरान कभी होगी मसनद न रिसालत की, अब जाफर सादिक से जीनत है शरीयत की। अब जाफर सादिक से जीनत है शरीयत की, हस्ती की शहर से है बेशक वो इमाम अपना, हस्ती की शहर से है बेशक वो इमाम अपना, ये सब है मगर पहली ऐलान खिलाफत की। लिसाने कुदरत यक्ता इमाम जाफर सादिक, लिसाने कुदरत यक्ता इमाम जाफर सादिक, बहक साकित बहक गोया इमाम जाफर सादिक, तुम्हारी एक झलक पर एक नजर पर एक इशारे पर फिदा दुनिया ओ माफी हा इमाम जाफर सादिक। एक नज़्म के पांच छह शेर हैं, बस वो पेश करके खत्म कर दूंगा। मतला मुलाहिदा, हजारों ही पैगंबर हैं खुदा ने जिनको भेजा है, हजारों ही पैगंबर हैं खुदा ने जिनको भेजा है, जो कुरान लेके आया था उसी का बोलबाला है। हजारों ही पैगंबर हैं खुदा ने जिनको भेजा है, जो कुरान लेके आया था उसी का बोलबाला है। मोहम्मद कायनात के दो जहां में कार फरमा है, मोहम्मद कायनात के दो जहां में कार फरमा है, खुदा के दस्त कुदरत में इरादा ही इरादा है। मोहम्मद कायनात से दो जहां में कार फरमा है,
खुदा के दस्त कुदरत में इरादा ही इरादा है। मुलाजा हो, जहूर उसका न था जब तक अंधेरा ही अंधेरा था, जहूर उसका न था जब तक अंधेरा ही अंधेरा था, जहूर उसका हुआ जब से उजाला ही उजाला। जहूर उसका न था जब तक अंधेरा ही अंधेरा था, जहूर उसका हुआ जब से उजाला ही उजाला। मुकम्मल कर दिया इंसान का दस्तूरे हयात उसने, मुकम्मल कर दिया इंसान का दस्तूरे हयात उसने, रसूल आखिरी है हर पे आखिर लेके आया है। मुकम्मल कर दिया दुनिया का इंसान का दस्तूर हयात उसने, रसूल आखिरी है हर पे आखिर लेके आया है। बनी आदम अजल से ताबद ममनून ऐसा है, बनी आदम अदल से ताबत ममनून ऐसा है, उसी ने आदमी अद्दी है वरना आदमी क्या है। बनी आदम अदल से ताबत ममनून ऐसा है, उसी ने आदमी अद्दी है वरना आदमी क्या है। वही घर है अली ओ फातिमा शब्बीर ओ शब्बर का, वही घर है अली ओ फातिमा शब्बीर ओ शब्बर का, जहाँ जिब्रील आए हैं जहाँ कुरान उतरा है। तीन से रोड है, खुदा मालूम किस उन्वान से है बंदगी उसकी, खुदा मालूम किस उन्वान से है बंदगी उसकी, तशहुद में भी बंदा उसको कहते दिल रखता है। खुदा मालूम किस उन्वान से है बंदगी, तशहुद में भी बंदा उसको कहते दिल लगता। उसी ने मसरफ़े इल्मो अमल से हमको समझाया, उसी ने मसरफ़े इल्मो अमल से हमको समझाया, गुरूर जिंदगी क्या है शऊर जिंदगी क्या है। उठो जाने फिदा कर दो कदम पर सोचते क्या हो, उठो जाने फिदा कर दो कदम पर सोचते क्या हो, मोहब्बत करने वालों ने न सोचा है न समझा है। उठो जाने फिदा कर दो कदम पर सोचते क्या हो, मोहब्बत करने वालों ने न सोचा है न समझा। उठो जाने फिदा कर दो कदम पर सोचते क्या हो, मोहब्बत करने वालों ने न सोचा है न समझा। بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على عظيم إحسانه ونجر برهانه ونوامي فضله وامتنانه لم يولد سبحانه فيكون في العز مشاركا ولم يلد فيكون مورثا حالكا ولم يتقدمه وقت ولا زمان ولم يتعاوره زيادة ولا نقصان جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي البتهي الأبتهي التهامي الخاتم لما سبق والفاتح لما استقبل تناسقت كرائم الأسلاب إلى مطهرات الأرحام العبد المؤيد الرسول المصدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمدي بالقاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم من يطع الرسول فقد أطاع الله صلوات حضرت نجم افندی مدد اللہو کے ان گراں قدر افکار کے بعد میرے لیے یہ لازم ہو جاتا ہے کہ بغیر کسی تمہید کے آپ کے سامنے اصل مبحث کو پیش کر دوں. سب سے پہلا امر جو قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ اس ولادت باسعادت کی مسرت میں اور
इस मुबारक महफिल में हुसूल सवाब के लिए आपकी शिरकत फकत इसलिए नहीं है कि आम तौर पर यह महफिलें होती हैं और हम भी यह महफिल करते हैं, आम तौर पर यह जश्न होता है, हम भी उस जश्न को मनाते हैं, नहीं। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं आगाज में कि पहली मुहर्रम को जो मजलिस की थी या रोजे आशूर जो गुफ्तगू हुई थी या चहलुम के मौके पर जो तकरीर थी, उन सारे मबाहिस का माहसल यही था कि मिल्लत इस्लामिया पैगंबर खातम को समझे, वो मजलिस हो या जश्न, मकसद हमारा यही है कि मिल्लत इस्लामिया खत्मी मर्तबत को समझे। और यही नहीं, साल भर जो मजलिसें होती हैं उनमें मुमकिन है कि ममदूह के नाम बदल जाए, मुमकिन है कि बज़ाहिर मकसूद कुछ और मालूम हो मगर हकीकत ये है कि एक ऐसा आईना खाना है जिसमें खत्मी मर्तबत खड़े हुए हैं और उसमें हर तरफ वही नजर आ रहे हैं, हर तरफ वही नजर आ रहे हैं। इसीलिए अव्वलोना आखिरोना औसतोना कुल्लोना, वो एक ही मंजिल है। किसी का जिक्र हो, ममदूह कोई हो, मकसूद कोई हो, हमारा मुद्दा यह है कि खत्मी मर्तबत को दुनिया समझे। और आज की इस महफिल में एक मुख्तसर सा पैगाम, बशर्ते के आप कुरान की मुसलसल अगर तिलावत करते हों तो आप समझेंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। रोज़े अव्वल से यानी नुज़ूल वही के आगाज से लेकर बार बार यह बतलाया गया कि इस नबी को दीवाना न समझो, दीवाना न समझो। और इससे इतना जोर दिया गया इस एक मतलब के लिए कई आयतें आई कि इसको दीवाना न समझो। सूरह नून व कलम इब्तिदाई
वही की सूरत, सूरह इकरा के बिल्कुल बाद, मा अंता बिनिअमत रब्बिका बिमजनून, अपने रब की नेमत से माला माल है, दीवाना नहीं है तू। सूरह मोमिनून, अम लम यारिफू रसूलहुम, क्या इन्होंने अपने रसूल को नहीं पहचाना, अम यकूलून बिही जिन्नतुन, क्या अब भी ये उसको दीवाना कहेंगे। और वजाहत कर दी और ये कहा के मा जल्ला साहिबुकुम व मा गवा, तुम्हारा साहिब, तुम्हारा मालिक कभी बहकता नहीं है, राह से हटता नहीं है। सूरह नाजुम, तो ऐसा मालूम होता है कि इसरार है जात वाजिब के इसको कबूल करते हुए, इसका नाम लेते हुए, इसका कलमा पढ़ते हुए पहली चीज जो दिल से निकलनी चाहिए वो ये कि यह दीवाना नहीं है। बहुत अजीब गुफ्तगू है, यह दीवाना नहीं है। इसलिए कि जिस किताब को लेकर आया है, जिस वही को इसने कबूल किया है, जिस मलक मुकर्रब को इसकी कुव्वत दर्राका ने अपने से नजदीक पाया है, जिस पैगाम को इसकी कुव्वत नातिका कुदसिया ने कबूल किया है, वो अक्ल ही अक्ल है, वो अक्ल ही अक्ल है। और एक अजीब बात यह है कि कुरान बाय बिस्मिल्लाह से लेकर वन्नास की सीन तक तो अकल हो, और जिस पर आए वो दीवाना, जिसको कबूल करे वो दीवाना। ये बात समझ में नहीं आई, और आप भी मुतफक्किर होंगे कि बार बार कुरान मजीद ने शायद कई मकामात इसको दोहराया कि अम यकूलून बिही जिन्नतुन, क्या तुम अब भी उसको मजनून कहोगे। मगर हुआ ये कि जो कुरान की गुफ्तगू थी वो हर बहर पूरी हुई, और आखिरी दम तक फिक्र इंसानी को यही खटका था कि कहीं बीमारी की शिद्दत में यह बहक तो नहीं गया। कुरान जिसके अक्ल का मुहाफिज हो उसको आखिर दम तक 23 बरस गुजरने के बाद भी यही तसव्वुर कि शायद शायद ऐसा हो, शायद ऐसा हो। जिस किसी ने कहा, बुखारी शरीफ में मौजूद है, जिस किसी ने कहा, बहरहाल एक शक था, एक शक। आज कम से कम 1400 बरस गुजरने के बाद अब तो उस जुमले को ना दोहराइए, अब तो
जुमले को न दोहराइए, अब तो ये तय कीजिए कि अकल अकल से मुत्तसिल है, और जिसको खुदा ने सबसे पहले पैदा किया वो अकल है। आज तो ये तय कर लीजिए कि वो कामिल है, उसमें नक्स नहीं है। आज तो ये तय कर लीजिए कि उसका पैगाम मुकम्मल है, वो हिदायत की हर मंजिल पर कार फरमा है। बहरहाल ये आगाज़ गुफ्तगु में ये एक जुमला निहायत जरूरी था कि कुरान मजीद को जैसे जैसे नाजिल किया गया, इस बात की जिम्मेदारी ली गई कि आप किसी मंजिल पर भी राह हक से हटते नहीं है। जाहिर है मिलाद के जलसे होंगे, सीरत-उन-नबी के जलसे होंगे, हो रहे हैं, किसी मकाम पर, जैसा कि अभी हजरत नज़्म ने फरमाया कि वो हर्फ आखिर लेकर आए, वो हर्फ आखिर लेकर, मगर उस हर्फ आखिर में मुझे कोई ऐसा हर्फ आखिर तारीफ खत्मी मर्तबत में न मिल सका कि जहां जाकर मैं ये कहूं कि बस हो गई तारीफ। जहां मैं ये कहूं कि हो गई तारीफ, पहली वही आई इकरा रब्बकल अकरमुल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, पढ़ो पढ़ो, तुम्हारा रब करीम है जिसने इल्म दिया कलम के साथ। और हां ये वो सूरा है, पहला सूरा के पहली वही, और सजदा वाजिब है इसमें, अज़ाइम कुरान में से है ये पहला सूरा। आखिरी आयत ये है कि खबरदार खबरदार, जो हक से हट जाए उसकी इताअत न करना, सजदा करो और तकर्रुब की मंजिल पर आ जाओ, सजदा करो, ये पहली वही, सजदा करो और तकर्रुब की मंजिल पर आ जाओ, सजदा और कुल, सजदा और तकर्रुब। तो एक ऐसी हालत का आगाज हुआ जहां यह समझा गया कि अपने बंदे की तारीफ की कि इतना सजदा करने वाला, मगर दूसरी वही में बेअख्तियार आवाज आई कुमिल लैल इल्ला कलीला, तो रातों को इबादत के लिए इतनी जहमत न करो, पहला हुक्म के सजदा करो और तकर्रुब पाओ, और दूसरा हुक्म ये कि आए चादर इम्कान के ओढ़ने वाले या अय्युहल मुज़म्मिलो क़ुमिल लैल इल्ला क़लीला, इबादत बहुत हो चुकी, इतनी जहमत की जरूरत नहीं है, आलम नूर में इबादत की है, मुसलसल इबादत की है, असलाब में इबादत की है, अरहाम में इबादत की है। इसलिए अब हम ने जो बंदगी मखसूस की है,
बस वही रहे, और उसके बाद अब हम कुरान को उलटते चले कि देखें किस मंजिल पर किस आयत को पैगंबर की तारीफ के लिए हर से आकर कहे कि एक मरतबा तीसरी वही आई। वज़्ज़ुहा वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, सुबह का नूर गवाह है, रात की तारीकी गवाह है, तेरे रब ने कभी तुझको अकेला नहीं छोड़ा। मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, दिल ने पुकार के कहा बस हो गई तारीफ, तेरे रब ने कभी तुझको तन्हा नहीं छोड़ा। मगर नहीं नहीं, और आगे बढ़ के वाले सौपयोती का रब का फतरना, तुझे इतना अता करेंगे कि तू राजी हो जाए। तो पता चला कि नहीं, ये भी हर पे आकर नहीं है, ये भी हर पे आकर नहीं है, और आगे चलो और आगे चलो। और उसके बाद वही मक्की सूरतें, अभी मदनी सूरतें नहीं है, वही मक्की सूरत का जहां इरशाद हुआ, आलमुल गैब फला युज़हिरु अला गैबिही अहदन इल्ला मन इर्तदा मिन रसूल, सूरह जिन। गैब का आलम अपने इल्म गैब को किसी पर जाहिर नहीं करता जब तक के रसूलों में किसी को मुर्तदा न कर ले। अब तारीफ क्या है, फइन्नहु यसलुकु मिन बैने यदैही व मिन खल्फिही रसदा, जिसको गैब का इल्म देता है उसकी निगरानी भी करता है, आगे पीछे हर तरफ से उसकी निगरानी हो रही है जिसको गैब दिया गया है। हम ये समझे हर्फ आखिर है, तारीफ में हर्फ आखिर है, नहीं, आने वाले और सूर्य ऐसे आए कि जहां सूर्य यूनुस ने आवाज दी, मा तकूनु फी शानिन व मा तत्लू मिन्हु मिन कुरानिन व मा तअमलूना मिन अमलिन इल्ला कुन्ना अलैकुम शुहूदा। तू किसी हाल में रहे, तो कुरान पढ़ता हो या कोई काम करता हो, हम निगरानी करते हैं। पैगंबर की निगरानी हो रही है, तू किसी हाल में रहे, मा तकून फी शानिन व मा तत्लू मिन्हु मिन कुरानिन व मा तअमलून मिन अमलिन इल्ला कुन्ना अलैकुम शुहूदा। आप कुरान पढ़े किसी हाल में रहे या कोई अमल करें, हम शाहिद हैं। अब ये समझे कि हो गई तारीफ, नहीं, एक मरतबा आयत आई, फसबिर ले हुक्म रब्बिक इन्नका बिआयुनना, अपने रब के हुक्म का इंतजार करो, हमारी आंखें तुझ पर लगी हुई है। इन्नका बिआयुनना, तू हमारी निगाहों में है। अब ये इन तमाम मदारिज को देखिए, निगाहों में है, तेरी निगरानी हो रही है, रसद कायम है, दाहने बाएं और चपो रास, हर तरफ से तू महफूज है, इतना देंगे कि तू राजी हो जाए। सुबह का नूर गवाह है, रात का अंधेरा गवाह है कि तेरे रब ने कभी तुझको तन्हा नहीं छोड़ा। फिर वो मेरी तकरीर के पहले जुमले, ये दीवाना नहीं है, दीवाना नहीं है, जब हम कहते हैं कि हमने तन्हा नहीं छोड़ा, जब हम कहते हैं कि हमारी निगरानी है, तो तुम कैसे कहते हो कि भूलता है। कैसे
कहते हो कि नसियान है, तुम कैसे कहते हो कि सहो है, तुम कैसे कहते हो हमारी तरह से बशर है, हम तारीफ पे तारीफ करते जाए और तुम उसको अपना सा समझो, तो देखना यह कि 1400 बरस के बाद भी फिक्र में तब्दीली हुई कि नहीं। किस मंजिल तक हम पहुंच गए थे, सूरह यूनुस तक पहुंच चुके थे कि आप किसी हाल में रहे, कुरान पढ़ते हो या कोई अमल करते हो, देखिए मा तअमलून मिन अमलिन, यानी आप कहीं रहे, इल्ला कुन्ना अलैकुम शहूदा, हम शाहिद हैं, हम ये समझे कि आप तारीफ हो गई, तो एक मरतबा सूरह रात की आखिरी आयत आई, यकूलु लदीना कफरू लस्ता मुरसला, काफिर कह रहे हैं कि तू मुरसल नहीं है, कुल तू कह दे कफा बिल्लाही शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब, मेरे लिए मेरी नबूवत पर दो गवाह काफी है, एक अल्लाह एक वो कि जिसके पास इल्म किताब है, शहादत जिसकी खुदा दे, हम ये समझे कि तारीफ मुकम्मल हो गई, शायद ये हर्फ आखिर हो, शायद ये हर्फ आखिर हो कि एक मरतबा सूरह अहज़ाब, सूरह अहज़ाब, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लून अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लू अलैहि व सल्लमू तस्लीमा, मगर आयत इस मकाम पर न रोकी जाए, यह आयत यहां मुकम्मल नहीं हुई, अल्लाह और के मलाइका दुरूद भेजते हैं नबी पर, साहिबान ईमान तुम अपना फरीजा अदा करो, और के साथ ही वल्लज़ीन यूज़ून अल्लाह व रसूलहु, और वो लोग जो अज़ियत देते हैं अल्लाह को और रसूल को, लानहुमुल्लाह फिर दुनिया वल आखिरा, आजाद में एक के बाद एक आए दुरूद, एक आए अज़ियत, पता चला कि ज़ात वाजिब ने इतना नजदीक किया, इतना नजदीक किया कि पैगंबर को अगर मसर्रत महसूस हो तो ज़ात इलाही जिसके लिए कोई कैफ नहीं है, इसके बावजूद एक इत्तेहाद की कैफियत पैदा होती है उसके जलवों में, मेरे लफ्ज़ों पर गौर कीजिए, ज़ाते वाजिब को कोई कैफ नहीं है मगर एक इत्तेहाद की कैफियत पैदा होती है उसके जलवों में जब उसका नबी खुश होता है, और जब कोई नबी को अज़ियत देता है तो ज़ाते वाजिब अरफा आला है हर चीज से, मगर उस अज़ियत से ज़ाते वाजिब को, ज़ाते वाजिब को ये रास्ता इख्तियार करना पड़ता है कि अपने नाराज होने का ऐलान करे, और अपने नाराज होने के ऐलान में यह बतलाए कि तुमने रसूल को अज़ियत नहीं दी मुझे, मैं आयत से करीब हो गया। अब इसके बाद सूरह निसा, मन युतिअ अर्रसूल फ़क़द अता अल्लाह,
जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। अब ये बेशर्त है, इसमें शर्त नहीं है कि सुबह की इताअत, शाम की इताअत, नमाज की इताअत, मस्जिद की इताअत, जंग की इताअत, सुलह की इताअत, शर्त नहीं है। मन युतैर रसूल, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। और इस मकाम पर पहुंच के एक मर्तबा दिल ने यह चाहा कि अब ऐलान कर कि शायद बंदे की तारीफ के लिए यह हर्फ आखिर है, यह हर्फ आखिर हो कि ऐसे में सूरह नूर आया और आवाज आई ला तजअलु दुआ الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا لقد يعلم الله الذين يتسللون منكم لبعضا। खबरदार, रसूल बुलाए तो ये ना समझना कि कोई दोस्त बुला रहा है। रसूल की आवाज को किसी दोस्त की आवाज ना समझना। जब रसूल पुकारे तो आवाज रसूल है। ला तजअलु दुआ الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لبعضا। अल्लाह को इल्म है, अल्लाह को इल्म है कि रसूल जब पुकारता है तो ये आयत है सूरह नूर की, तो तुम मस्जिद के सुतूनों का आसरा लेकर और उसकी आड़ में छुपकर मस्जिद से बाहर चले जाते हो। ये सूरह नूर, कद यालमुल्लाहुल लजीना, उनका इल्म है अल्लाह को, यतसल्लूना मिनकुम लवादा। खबरदार ऐसा नहीं करना। क्यों? फिर आयत يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم। اي صاحبان ايمان, الله اور اس کا رسول پکارے تو فوراً جواب دو تاکہ زندگی ملے۔ تعریف تو سنیے, لما يحييكم, تاکہ تم کو زندگی ملے۔ अगर रसूल पुकारे और जवाब ना दो, मुर्दा हो, मैयत हो, अल्लाह और उसका रसूल पुकारे तो फौरन जवाब दो। अल्लाह का पुकारना साबित, कोई सुन नहीं सकता। अल्लाह पुकारता है हारे कलाम हक बज़बान मोहम्मद ग़ालिब। अल्लाह पुकारता है, जबान इनकी है, तो जब रसूल पुकारे फौरन जवाब दो, फौरन जवाब दो, ताकि रसूल तुमको जिंदगी अता करे। उबै बिन काब रज़ी अल्लाहु अन्हु नमाज पढ़ रहे थे, रसूल मस्जिद में आए और आवाज दी, उबै ये देख करके नमाज पढ़ रहे थे, कहो भाई, वो चुप हो गए, नमाज खत्म की और आ गया। क्यों, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? कहा या रसूल मैं नमाज पढ़ रहा। कहा आयत तो ये नहीं थी, आयत तो ये नहीं थी, जब रसूल पुकारे जवाब दो। जब रसूल पुकारे जवाब दो, अल्लाह की बंदगी। और रसूल पुकारे, उसके माना ये कि रसूल अगर पुकार रहा है तो अपने लिए नहीं पुकार रहा है, रसूल कुछ ऐसा अहम पैगाम देना चाहता है ताकि इबादत समझ जाए। उबै ने माफी चाही और कहा अल्लाह के रसूल क्यों पुकारा था? कहा सिर्फ इसलिए कि तुमने जो नमाज पढ़ी थी उसमें सूरह हम्द नहीं था,
سورہ حمد کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی. پیغام دیا اور بتلایا حیات ہے. تو ہر قدم پر ایک ایک آیت کو شروع سے لے کے آخر تک ختمی مرتبت کے لیے دیکھتے جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہر آیت رک کر یہ آواز دیتی ہے شاید یہ حرف آخر ہو فضیلت میں, مگر نہیں, ایسا نہیں. کسی مقام پر ایسا محسوس ہی نہیں ہوتا. مکے کی پوری زندگی اور نبی کی تعریف, یہ بڑی اہم گفتگو ہے. دیکھیے تورات میں موسیٰ کی تعریف نہیں ہے, نہ موسیٰ کو اس طرح سے خطاب کیا گیا ہے. انجیل میں, بائبل میں عیسیٰ کی تعریف نہیں ہے, نہ عیسیٰ کو اس طرح سے خطاب کیا گیا ہے, نہ عیسیٰ کا کہا ہوا وہ پیغام ہے بائبل, اس کی چار جلدیں. یہ قرآن ہی کو شرف ہے کہ جگہ جگہ ختمی مرتبہ سے خطاب, ختمی مرتبہ سے خطاب ہے. اور فقط یہ نہیں کہ آیت آئے, ایک جملہ کہہ دے, ایک لفظ کہہ دے, نہیں ایک حرف کہہ دے, ایک حرف کہہ دے, تو ایسا معلوم ہوا کہ فضیلت پیغمبر. شاید یہی حرف آخر ہو. محی الدین عربی, اسپین کا مشہور فلسفی, ایک حرف پہ بحث کر رہا ہے, صاد صاد والقرآن ذی الذکر. تو ساتھ سے بحث کرتے ہوئے محی الدین عربی نے لکھا یہ سورت محمد ہے. نون والقلم وما یسرون ایک حرف ہے, محی الدین عربی نے کہا یہ نفس محمد ہے. قاف محی الدین عربی نے کہا یہ قلب محمد ہے. پھر یاسین, اب دو دو حرف مل کر ایک حرف, وہ بھی قصیدہ, دو دو حرف وہ بھی قصیدہ. یاسین, تاہا تاہا, اے طاہر. تو آپ نے دیکھا پکارنے والے نے اتنے ناموں سے پکارا, کچھ ایسے طریقوں سے پکارا, کچھ اس طرح سے یاد کیا. آیات الاحکام 300 سے کچھ زائد ہے, مگر ختمی مرتبہ کی فضیلت کے سلسلے میں جو آیتیں آئیں, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی نبی کا تذکرہ ہو رہا ہو, کسی نبی کا تذکرہ ہو رہا ہو. مقصود محمد ہے. میری باتوں کو بہت غور سے سنی, کسی نبی کا تذکرہ ہو رہا. سورہ یوسف مسلسل ہے, یوسف کا واقعہ ہے, باپ سے بیٹا جدا ہوا, کیسے بکا, کیسے بادشاہ کے پاس آیا, کیسے قید میں آیا, اور پھر سورہ ختم ہوا تو اس آیت کے ساتھ کہ اے رسول قول ہاذہ سبیلی, کہہ دو یہ راستہ میرا ہے. ہاذہ سبیلی ادعو الی اللہ, میں بلا رہا ہوں اللہ کی طرف. اللہ بصیرت انا ومن اتبعنی سبحان اللہ وما انا من المشرکین, اس بصیرت پر جو مجھے حاصل ہے یا میری پیروی کرنے والوں کو حاصل ہے, میں مشرک نہیں ہوں. یوسف کا پورا تذکرہ, اور پیغمبر یہ کہے دعوت میری ہے. ہاذہ سبیلی ادعو الی اللہ, میں بلا رہا ہوں. آپ ذرا سا کسی اپنے آپ کو الجھن سے بچاتے ہوئے میرے آنے والے جملے پر غور کریں. ادعو الی اللہ, میں بلا رہا ہوں, یہ گھرانہ دعوت کا گھرانہ ہے. یہ گھرانہ دعوت کا گھرانہ ہے, ابراہیم سے لے کے اسماعیل سے لے کر یہ دعوت کا گھرانہ ہے. تو آپ کے گھر میں جب دعوت ہوتی ہے تو آپ اپنے باپ کو, اپنے چچا کو رکے نہیں دیتے. اس
ये कि वो साहेब दावत है, उनका घर है। अब इसके बाद क्या गुफ्तगु ईमान पर अब्दुल्ला और अबू तालिब की? उस बसीरत पर जो मुझे हासिल है मेरी पैरवी करने वालों को हासिल है। ये बड़ा अहम मसला है। यहाँ आबाए पैगंबर, अजदाद पैगंबर सब में तहारत है। इमाम फखरुद्दीन राजी पैगंबर की तारीफ करते हुए इस आयत को पसंद करते हैं, وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين, اور بھروسہ کر اپنے غالب رحیم پروردگار پر جو تجھ کو دیکھتا ہے جب تو کھڑا ہوتا ہے اور تجھ کو دیکھتا ہے جب تو بدل بدل کر سجدہ کرنے والوں میں آتا ہے۔ امام فخر الدین رازی نے کہا کہ اس آیت نے ثابت کیا کہ آبائے نبی سب کے سب طاہر تھے۔ आयत ने साबित किया आबाए नबी साजदीन में थे, ताहिर थे, और यही वजह है कि अरब की तारीख यह न बतला सकी कि आबाए नबी का बुत कौन सा था। एक कबीले के बुत का नाम दिया है, बनी असद का यह बुत था, उन्होंने बतलाया हौजन का यह बुत था, बनी तमीम का यह बुत था, बनी आदि का यह बुत था। एक कबीले के बुत को और उसके जिसको उन्होंने तराशा था, जिसकी वो परस्तिश करते थे, उसका नाम लिया। इल्ला जहां चुप हो गए, वहां न बतला सके कि अब्दुल मुत्तलिब किसकी परस्तिश करते थे, न बतला सके कि अब्दुल्लाह किसकी परस्तिश करते थे, न बतला सके कि अबू तालिब किसकी परस्तिश करते थे। बात यदि दावत का घराना था, तो आपने देखा हर एक मुफक्किर ने, हर एक मुसन्निफ ने, हर एक मुफस्सिर ने अपनी मर्जी के मुताबिक कुरान से एक आयत को ले लिया और कहा यह है तारीफ है पैगंबर, और वो वहीं रुक गए। मगर मैं यह सोचता हूं कि आज तक कुरान की मुसलसल आयतों को देखने के बाद यह पता नहीं चला कि हर्फ आखिर तारीफ का क्या है। आप मेरी बहस को समझ गए? अब आखिरी मंजिल यानी यहां से चंद दकीके जो मैं ले रहा हूं वो मदनी सूरतों के, वो तो मक्की सूरतें थी, और मक्की सूरतों की इंतहा कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुम अल्लाह, कह दो ऐ रसूल कि अगर अल्लाह को दोस्त रखना है, अगर अल्लाह से मोहब्बत करना है, मेरी इताअत करो। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर अल्लाह से मोहब्बत का दावा है मेरी पैरवी करो, मेरी पैरवी से हट के इश्क नहीं। ये कोई इश्क नहीं है कि हम अब उस दर्जे पर हैं बंदगी के कि जहां नमाज की जरूरत नहीं है, जहां रोजे की जरूरत नहीं है, जहां माल की जरूरत नहीं है, ये इश्क नहीं है। बतलाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी, मेरी पैरवी करो, युहिब्बुकुम अल्लाह, अल्लाह तुमको दोस्त रखेगा। अल्लाह ही बस दोस्त रखता है जब कोई पैरवी करे। आयत है फत्तबिउनी युहिब्बुकुम अल्लाह, मेरी पैरवी करो, अल्लाह दोस्त रखेगा। कल मैं आलम दूंगा उसको, दूंगा जिसको खुदा और रसूल दोस्त रखते हैं। आपने कहा क्यों? फकत इसलिए कि पैरवी की है।
پیروی کی ہے اور یہ پیروی کی منزل پر علی کا جملہ ہمیشہ کے لیے یاد رہے گا کنتو اتبعہ اتباع الفصیل اثر امی میں نے رسول کی ایسی پیروی کی جیسا بکری کا چھوٹا بچہ ماں کے پیچھے پیچھے چلے آپ نے ابھی پتا نہیں چلا کہ اگر یہ آئے تھے تو یہاں رک جائے کہ بھئی اتباع رسول ہی سب کچھ ہے محبت الہی نہیں مدنی صورتیں شروع ہوئی مکی صورتیں شروع مدنی صورتیں شروع ہوئی مدنی صورتوں میں پہلے بقرہ اس کے بعد ہی آل عمران پھر نساء پھر مائدہ اب مسلسل ان صورتوں کو دیکھتے جائیے تو پتا چلے گا کہ مدنی صورتوں میں آخری سورہ سورہ براء آخری سورہ سورہ براء اور وہاں پوری کمیونٹی کو پوری قوم کو ایک دوسری قوم کے چنگل سے اس کے پنجے دہشت سے آزاد کرنا تھا ایک قوم کو دوسری قوم سے الگ کرنا تھا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا یعنی اب مسلمان کسی کا منون احسان نہیں رہے گا اب مسلمان کسی کا زیر اثر نہیں رہے گا اب مسلمان تجارت میں لین دین میں کسی کا محتاج نہیں رہے گا اب اس کے بعد سے کوئی مشرک حج کے لیے نہ آئے اب اس کے بعد کوئی مشرک طواف نہ کرے اب اس کے بعد کوئی مشرک خانہ کعبہ میں نہ آئے سورہ برات اذان من اللہ ورسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر ان اللہ بری من المشرکین ورسولہ اذان دی جائے حج اکبر میں کس کی طرف سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف دو نام پھر ساتھ ساتھ آئے دو نام پھر ساتھ ساتھ آئے اذان من اللہ و رسولہ اللہ کی طرف سے اور رسول کی طرف کہ اللہ اور اس کا رسول بڑی ہے مشرکین اب کوئی یہاں نہ آئے اب کوئی طواف نہ کرے اب کوئی مشرک خانہ کعبہ کی زیارت کو نہ اب کوئی مشرک یہاں بندگی نہ کرے اب یہ ہمارا ہے تمہارا نہیں ہے یہ گھر ہمارا ہے تو اس کو چن کر بھیجا کہ جس کی ولادت ہی نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ یہ ہمارا ہے بعد حضرت ابو ہریرہ کی روایت موجود ہے کہ جب یہ آواز بلند ہوئی کہ خبردار آئندہ سے کوئی حج نہ کرے تو بڑے بڑے مشرکین نے اپنے تلواروں کے قبضوں پر ہاتھ ڈال دی اور یہ چاہا کہ اکیلا تو پکار رہا ہے حملہ کر کے یہیں ختم کر دو حملہ کر کے یہی ختم کر دو پکارنے والا تنہا تھا اور مشرکین طواف کر رہے تھے مشرکین طواف کر رہے تھے مگر حکم خدا و رسول نے اس میں اتنی قوت دی تھی اتباع خدا و رسول نے اس میں اتنی طاقت دی تھی کہ اس نے بدر میں احد میں خیبر میں خندق میں حنین میں یہ سب کو دکھلا دیا تھا کہ اکیلا ہی کافی ہوں یہ کہہ کے رک گئے اچھا
अच्छा हम इसका बदला लेंगे, लड़ाई नहीं हुई, पैगाम इतना अहम कि इसके बाद कोई ना आए, इसके बाद कोई ना आए। आज सारी मुस्लिम दुनिया बैतुल मुकद्दस के लिए अपनी जान गंवाने को तैयार है, मगर बकौल इकबाल कोई तो करार हो। इकबाल ने कहा था मीशनासी मानिए करदार चीज, इन मकामी अज मकामात अली, उम्मतारा दर जहाने बेसिबात, उम्मतों को जहाने बेसिबात में नीस मुमकिन जुज ब कर्रारी हयात, कर्रारी नहीं है तो जिंदगी नहीं है। बहरहाल ऐसा मालूम हुआ कि फजीलत सूरह परात में जाके शायद खत्म हो जाए, आखिरी सूरह है, आखिरी सूरह है, और यही वो सूरह है जिसे बार बार इस सूरह को जरूर आप तिलावत करें जब कभी मौका मिले तर्जमे के साथ। ये कुरान मजीद का नवा सूरह है, ये सूरह तौबा है, ये सूरह बरात है, और इसमें वो गैज इलाही है कि यहलफून बिल्लाह मा कालू, अल्लाह की कसम खा के कहते हैं कि हमने नहीं कहा, लकद कालू कलिमत अल कुफ्र, और इन्होंने कहा, इन्होंने कुफ्र का कलिमा कहा, अल्लाह की कसम खाकर कहते हैं हमने नहीं कहा। तो कफरू और काफिर हो गए अपने इस्लाम के बाद, इन्होंने कहा। और देखिए किस मकाम पे आके पैगंबर की तारीफ की, वह मान नकमू इल्ला अग्नाहुमुल्लाहु व रसूलहु, और यह बदला लिया फकत इस बात का कि अल्लाह और रसूल ने इनको दौलतों से नवाजा था, इनको तवंगर बना दिया था, माल गनीमत दे दे के एक एक गधाए बेसरो सामा को खुसरो कैकाऊ से वक्त बनाया था। वमा नकमो इल्ला नग्नाहुमुल्लाहु रसूलहु, यह बदला नहीं लिया मगर इस बात पर कि अल्लाह और उसके रसूल ने क्यों दौलतमंद कर दिया। हमने कहा देखिए दौलत दे तो कम से कम अपना ही नाम लेता, नहीं फिर रसूल का नाम, इताअत में अपना नाम नहीं रसूल का नाम, इत्तेबा में अपना नाम रसूल का नाम, नहीं पांचवा हिस्सा वाजिब कर दिया माल गनीमत का तो अपना नाम रसूल का नाम। और यहां से एक फजीलत की और इब्तिदा कर दी, एक और फजीलत की इब्तिदा कर दी, कुरान का नुज़ूल खत्म हुआ, यह आखिरी मंजिल, कुरान का नुज़ूल खत्म हुआ, हम यह समझ के मुतमईन हो गए तारीफ रसूल खत्म हो गई। नहीं, जाते जाते रसूल ने कहा इन्नी तारे कुंती को मुस्तकल, अब दो चीजें छोड़ रहा हूं, अब जो इस मंजिल पर आए वो मेरी तारीफ है, जो इस मंजिल पर आए वो मेरी तारीफ, और इस मंजिल पर जैसा कि आज अभी हजरत नजम मद्दज़िल्लहु ने इमाम सादिक के लिए कतात पढ़े, ये बतलाते हुए कि ये रात उनकी ज़ाते गिरामी से भी मंसूब है, तो वहां यह बतलाया कि अब फजीलत रुकती नहीं है, अब फजीलत रुकती नहीं है, और ऐसे में नकाब गैबत आया, नकाब गैबत आया, उसके माना यह कि इफादा कम नहीं हुआ, उसके माना यह कि आफ्ताब अब्र में आया मगर रोशनी बाकी है।
देखा, कुरान ने नबी को पहचानवाया, नबी ने कुरान को पहचानवाया। कुरान और हकीकत मोहम्मदिया साथ साथ हैं और कयामत तक साथ रहेंगे, और कयामत के दिन जब रसूल आएंगे तो उस दिन शिकायत करेंगे, उस दिन शिकायत करेंगे, रब्बी, सूरह फुरकान, रब्बी इन्ना कौमी तखज़ु हाज़ल कुरान महजूरा, परवरदिगार मेरी कौम कुरान से दूर हो गई थी, मेरी कौम कुरान से दूर हो गई थी। गुफ्तगु इस मंजिल पर रुकती है, यह नाम रह गया, यह नाम जबानों पर है, दिलों में है, दिमागों में है, अफकार पर मुसल्लत है। बहुत कुछ लिखा जा रहा है, बहुत कुछ सोचा जा रहा है, और लिखते जाएंगे और कहते जाएंगे। कुरान है, कुरान है, और कितनी मर्तबत की तारीफ भी हो रही है, मगर सिर्फ एक बात, सिर्फ एक बात, और वो ये कि बनी उमैया की कोशिश ये थी कि एहतराम मोहम्मद खत्म हो, बनी अब्बास की कोशिश ये थी कि एहतराम मोहम्मद खत्म हो। सल्जूकियों की और सारे मुलुकियतों की कोशिश ये थी कि एहतराम खत्म हो, कि हमारा नाम कोई ले तो किसी का सर झुकता नहीं है, मगर पैगंबर का नाम ले तो सर भी झुकता है, दुरूद भी पढ़ते हैं। बस ये कोशिश थी कि एहतराम ना हो, एहतराम ना हो, और इसी वजह से कहने वाले को कहना पड़ा था, मन का ना याबुदो मोहम्मदन फइन्नहु क़द मात, जो मोहम्मद की इबादत करता था वो सुन ले के मोहम्मद मर गया। एहतराम को इबादत समझा गया, और आज भी एहतराम को इबादत समझ रहे हैं, हम एहतराम कर रहे हैं, सर रख दिया हमने डरे जाना ना समझ कर, काफिर है जो सजदा करे बुखारा समझ कर। इस मंजिल पर यह एहतराम है, और इस एहतराम के लिए खुदा और रसूल गवाह है कि हम ममनून हैं करबला, कि करबला ने इस एहतराम को बाकी, एहतराम मोहम्मद को करबला में बाकी रख, करबला ने बाकी रखा। और चूंकि पैगंबर जान रहे थे कि करबला ही से मेरा एहतराम रहेगा, इसलिए कहा हुसैन मिन्नी व अना मिन्हु। हुसैन मुझसे है वो मेरी वजह से है, और मेरा नाम हुसैन की वजह से है। दुनिया ये जान रही थी कि इनके विकार को छीन लेंगे, इनकी गर्दनों को काट कर, करबला वालों ने कहा विकार को बचा लेंगे जंजीरों को पहन, तौक और सलासिल को पहन। और यह है करबला की मंजिल, के जहां पैगंबर ने मिन्नियत को साबित किया कि यह मिन्नियत का सिलसिला है। अला बसीरत इन अना व मनी तबानी, मैं उस बसीरत पे जा रहा हूं, और मेरी पैरवी करने वालों की बसीरत यह है दावत। तीन मर्तबा नारे सलवा, वास्ता इस मौलूद मसूद का, खुदावंदा वास्ता साहेब लौलाक का, खुदावंदा वास्ता मकसूद कुन फका का, खुदावंदा वास्ता सुबह अव्वल का, नूर अव्वल का, अक्ल अव्वल का, मिल्लत को मुत्तहिद कर, ममलकत को मुस्तहकम फरमा।